पी डी होम, पी डी न्यूज़, पी ग्लोबल, यूएस, यूके, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, वो सेगमेंट आ गया है जो आजकल बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार करता जा रहा है। आपका जो फीडबैक हमें सोशल मीडिया पे मिलता है, सब कहते हैं अरे भाई वाह, ये जो गुड न्यूज़ है ना, इससे दिन बहुत अच्छा गुजरता है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू गुड न्यूज़ वाली गुड कुलसुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मुझसे नहीं पूछेंगे? अब तुम हो ही अच्छी। नहीं तो हाल भी तो पूछे ना। अच्छा हाल कैसा है बताओ? हाल थोड़ा बेहाल है, लेकिन जब मैं ये सेगमेंट करने के लिए आती हूँ ना, तो मैं हशाश बशाश हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा गला बिल्कुल बंद है। आज मैंने सुना है कि चार खबरों में से एक खबर बड़ी खास उस पाकिस्तानी रैपर की है। यस, आपने पहले ही अनाउंस कर दिया। कुछ सीक्रेट रहना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, तो सीखने का मैं तो जल्दी से बोल रहा नहीं गया मुझसे। रहा नहीं गया। अच्छा जी, पहली खबर क्या है? अच्छा जी, पहली खबर वो हम बाद में सुना रहे हैं ना, जो भी आपने अनाउंस किया। ठीक हो गया। बढ़ते हुए क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से जर्मनी ने एक इनकलाबी कदम उठाया है। उन्होंने हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन्वेंट की है। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और हवा में स्मोक के बजाय स्टीम और पानी इमिट करती है। इस ट्रेन का डीजल ट्रेन की तरह शोर नहीं होता। ये एक आप जिस तरह के एक्शन दिखा रहे हैं ना, क्या कहूँ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं जल्दी से ये सब ट्रेनें पाकिस्तान में ले आऊं। लेकिन आगे भी तो सुने ना। हाँ। ये एक टैंक में 100 किलोमीटर सफर करती है और 15 मिनट में इसकी रिफ्यूलिंग भी हो जाती है। 15 मिनट में रिफ्यूल हो जाती है एक टैंक में? कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। और ये डीजल और कार्बन इमिट नहीं करती? नहीं करती। ये तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और जितने एक्साइटेड आप लगे थे ना खबर पढ़ते पढ़ते, मैंने एकदम आपकी तरफ देखा और मैंने सोचा काश यहाँ पे आ जाए जल्दी से। Absolutely, नहीं देखे, अब जो भी इन्वेंशन और इनोवेशन, पहले इन्वेंशन का इनोवेशन में बदलने जी। और इनोवेशन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में कुलसुम बहुत ज्यादा वक्त लगा करता वक्त था। जितनी भी इजादात दुनिया में हुई है वो बहुत देर के बाद आम कंज्यूमर्स तक पहुंची, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि अब इन्वेंशन को इनोवेशन में बदलने और इनोवेशन को लाइफस्टाइल में बदलने का जो स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। अब बहुत जल्दी आप देखते हैं कि अच्छा ये चीज इनोवेट हुई थी और वो जनाब अगले ही साल आम लोगों के इस्तेमाल में आ गई। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये वाली ट्रेन जो है वो दुनिया भर में चलने लग जाए, इंशाल्लाह जल्द यहां पर भी होगी। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि ओटावा कनाडा में एक मल्टी कल्चरल पिकनिक पार्क आबाद है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोग पिकनिक मनाते हैं। ये पार्क मुल्क में कल्चरल हारमोनी को फ़रोग देने के लिए सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। वहाँ के लोगों के मुताबिक ये पार्क एक फूड मार्केट का मंजर पेश करता है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ कल्चर के लोग पिकनिक मनाते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के खाने मिलकर खाते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ ग्रुप के लोग यहाँ मिलकर इंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली, जबकि हम जानते हैं कि कनाडा जो है वो बहुत ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहाँ पे दुनिया भर की कौमियतें और मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहे, मुख्तलिफ रंग रंग के लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसे में ये पार्क पूरी एक दुनिया का मंजर पेश करता है। बिल्कुल ऐसे ही, जब मुख्तलिफ किस्म के खाने सामने आते होंगे तो सबका दिल चाहता होगा कि यार अपने कल्चर को छोड़ के उनके कल्चर को भी ट्राई करें कि कैसा लगता है। एग्जैक्टली, मुझे और डॉक्टर नौशीन को कोई ना बताए हम फौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ ऐसा हाल मेरा भी है, मेरा भी दिल करता है वैसे मुख्तलिफ कल्चर को ना देखने का, खाने खाने का। ग्रेट, तो बस इकट्ठे कुछ प्लान बनाते हैं, करते हैं कुछ। अच्छा जी, अब वो खबर आ गई। अब वो खबर आ गई है। ग्रेट, अब क्या करें फिर, आप सुना रहे हैं? नहीं नहीं, खबर तो आप सुनाएंगी। मैं ही सुनाऊं? हम अच्छा जी, हम खबर सुनने का मजा लेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान के कम उम्र रैप सिंगर 8 साला वकास बलोच का ताल्लुक जो है वो कराची के इलाके लियारी से है। अब लियारी बज़ाहिर कराची का एक पसमानदा इलाका है जहाँ पे बहुत कम सहूलियात है, लेकिन वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। वकास बलोच 4th क्लास में पढ़ते हैं, मगर अचानक उनका जो शौक है ना वो सामने आया और रैप सिंगिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं। अपने भाई के साथ एक डार्क स्ट्रीट नामी म्यूजिक बैंड के साथ रैप की प्रैक्टिस करते हैं, न सिर्फ सिंगिंग बल्कि अपने गानों के बोल भी वो खुद लिखते हैं। अरे वाह, उम्र है इनकी? उम्र है इनकी 4th क्लास में पढ़ते हैं और 8 साल के हैं। 8 साल के वकास की सिर्फ हमने खबर ही आपको नहीं सुनानी साथियों, आज इनकी जो रैपिंग की वीडियो है उसका एक क्लिप भी आपको दिखाना है। तो चल के जनाब रैप सुनते हैं वकास से। अब ये भी सुन असली चीज क्या, गेम ऑन 1000। शहर कराची का बच्चा, मैं अजी का पन्ने से ज्यादा मैं रैप में पापी था, पापी था, पापी चिल्लो बच्चा बाकी था, पापी पोप का बच्चा ही काफी था, आज तो सुनने का और समझने का रैप ही करना था, बस ये मगज में था असली पॉप से सबको मिलाना है, छोटे उम्र में ही सबको सिखाना, गाना है ऐसे न तुमसे उपाना है, लिखते हैं
इनका नाम है वकास थाउजेंड, इन्होंने अपना सिंगिंग का नाम रखा है थाउजेंड, वकास थाउजेंड, और इस ट्रैक का नाम है काके। जबरदस्त, मैं तो फैन हो गया वकास का। और मेरा ख्याल है अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं कि किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान में वकास को एज अ गेस्ट बुलवाएं और उनसे यहाँ पे हम मेरे होते हुए बुलाइएगा, मैं भी मिलना चाहूंगा। एब्सोल्युटली, प्रॉमिस प्रॉमिस। पक्का जी, ठीक है। अगली खबर, अगली खबर। अच्छा, हम यही बात करें कि टैलेंट की कमी जो है बिल्कुल नहीं, और पाकिस्तान में तो बेशुमार टैलेंट है। अब एक और नौजवान की कहानी भी सुनिए, के हौसले के बारे में आपको बताऊंगी कि वो दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। मानसेरा के जुल्फिकार अली पैदायशी तौर पर दोनों टांगों से महरूम हैं, मगर उनको क्रिकेट खेलने का बचपन से ही शौक था। पहले लोग उनके शौक का मजाक उड़ाते थे, मगर अब उनको देखकर हैरान होते हैं कि कैसे खेल लेते हैं, और वो रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं। एबटाबाद में उन्होंने एक मैच में 3 खिलाड़ी भी आउट किए। हाल ही में एबटाबाद में होने वाले एक मेले में 90 किलो वजन उठाकर दूसरी पोजीशन भी हासिल की। और इनका नाम है, इनका नाम अभी हमने क्या बताया है आपको, जुल्फिकार। जुल्फिकार, जुल्फिकार, we are proud of you। माशाल्लाह, जिंदगी को भरपूर तरीके से आप जी रहे हो और दूसरों को सलीका सिखा रहे हो कि टांगे ना होने के बावजूद, माजूरी होने के बावजूद, माजूरी आपने ऊपर तारी होने नहीं दी। असल में माहिरीन ये भी कहते हैं साथियों की जो जिस्मानी माजूरी है वो तो एक चैलेंज होता ही है, लेकिन असल माजूरी यहाँ पे होती है। अगर इंसान यहाँ से माजूर है तो फिर हाथ पांव होने के बावजूद वो एक माजूर जिंदगी गुजारेगा, और अगर यहाँ से कुलसुम माजूर नहीं है तो अगर टांग नहीं भी है, आप भी है तो टांगों वालों से बेहतर जिंदगी गुजार के देखो। हौसले की बात है, और आपने कहा ना कि यहाँ से अगर नहीं है तो अगर आपकी सोच वसी है ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके हाथ पांव बाजू का कोई हिस्सा भी नहीं है तो कुछ नहीं, अगर आपके हौसले बुलंद है तो फिर कोई चीज भी जो है वो रुकावट नहीं बन सकती। एग्जैक्टली कुलसुम, थैंक यू सो मच, सो मच तौसीफ, बहुत मजे का सेगमेंट था आज। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हैं कुलसुम जदून, फातिमा जदून, कुलसुम खान और फातिमा खान और कुलसुम। देखो वैसे ये भी है कि अगर कभी कभी सोचेंगे आपका नाम बदल जाता तो क्या होता? तो कुछ भी नहीं है, मुझे वैसे भी शौक है, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, तौसीक चीमा, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा अगर नाम चेंज करना था तौसीक हैदर की जगह क्या करोगी, जल्दी से बता दो। तौसीक मैं बहुत अच्छा, नहीं मैं नहीं बता रही, छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं। तौसीक वास्ती, हाँ है ना, तौसीक वास्ती अच्छा लगा, तौसीक वास्ती, मतलब चीमा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहने लगी थी तौसीक चीमा, डन हो गया। अच्छा जी, फातिमा जुदून हमारे साथ होंगी, और फातिमा आज आपको पता है वो ग्रूमिंग की एक्सपर्ट है, और आज वो मेंस के यानी मर्दों के हेयर स्टाइल्स के हवाले से क्या इन है क्या नहीं है उसके बारे में सेगमेंट लेके आ रही। मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में, मेरे से मुराद तौसीक चीमा के साथ।